छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। कांग्रेस की प्रियंका गांधी आज गोड्डा और रांची में करेंगी चुनावी सभा। असम के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान की भी है रैली। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, वोटिंग के दौरान मतदान कक्ष में फोटो लेना या वीडियो बनाना अपराध। वोटिंग कंपार्टमेंट का भी फोटो खींचना प्रतिबंधित। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी की विस्तृत ब्यौरा अदालत को सौंपा। राजधानी रांची के मोरहाबादी इलाके में फिर बर्ड फ्लू। 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा और अंडे की खरीद बिक्री पर लगी रोक। सर्वे कर मारी जाएंगी मुर्गियां, मिलेगा मुआवजा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। छठे और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर फाइनल मतदान प्रतिशत आंकड़ा जारी किया। श्री कुमार ने बताया कि तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 63.02% मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि चतरा में 63.03%, हजारीबाग में 64.39% और कोडरमा में 61.81% वोट पड़े। वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव में 68.92% वोटिंग हुई। लोकसभा के शेष दो चरणों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। एनडीए और इंडी गठबंधन में नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चुनावी सभाएं करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद श्रावस्ती एयरपोर्ट के सामने कटरा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बस्ती, संत कबीर नगर, दुनियागंज और श्रावस्ती की सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी की जनसभाओं को संबोधित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में रैली करेंगे और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। तो लगातार 24 की चुनौती को हम देख सकते हैं, कैसे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बस्ती, श्रावस्ती, जहां पे जो अब छठा चरण है यानी 25 मई को वोटिंग होनी है, उसके लिए प्रत्याशियों के समर्थन में आज जनता को संबोधित करेंगे और शाम होते होते फिर राजधानी दिल्ली, जहां 25 मई को यहां भी क्योंकि वोटिंग है तो यहां भी द्वारका में एक रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो जगह पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। और जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, जन समर्थन की अपील प्रधानमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए। तो प्रधानमंत्री आज श्रावस्ती के कटरा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि अब अगला चरण जो है वो 25 तारीख को होगा। और 25 तारीख खास इसलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं, इन 7 ही लोकसभा सीटों पर 25 तारीख को मतदान होना है। और दिल्ली के अगर हम चुनावों की बात करें तो इस बार मुकुल काफी इंटरेस्टिंग इस बार दिल्ली का लोकसभा चुनाव होता हुआ। शेष दो चरण के चुनाव प्रचार में इंडी गठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। वो चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में जनसभा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो वो झारखंड के रांची और गोड्डा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित। राज्य में अंतिम 2 चरणों के मतदान को लेकर भी एनडीए और इंडी गठबंधन ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज झारखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी गोड्डा और रांची में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत इंडी गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।
प्रियंका के साथ जनसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश और तेजस्वी यादव बिहार में जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा शर्मा आज धनबाद में पार्टी प्रत्याशी ढुल्लू महतो और दुमका में सीता सोरेन के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी की अन्य रैलियों की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो के समर्थन में बोकारो में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज धनबाद के झरिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं गोड्डा जिले के मोहनपुर चौक से बसुआ चौक तक रोड शो और रांची के मोरहाबादी में युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या भी आज रांची में बाइक रैली में शामिल होंगे। इसके बाद जमशेदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह कोटा में रोड शो और रांची में युवा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या रांची में मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल होंगे, साथ ही जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता धरमलाल कौशिक ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। श्री कौशिक कल जमशेदपुर के साकची स्थित भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रधान कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से विद्युत वरण महतो जीत की हैट्रिक लगाएंगे। देखी है और निश्चित रूप से सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए उससे ज्यादा और इस बार जीतेंगे। उनके बहुत सारे कार्य लिखे हुए आप लोग ज्यादा जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक सांसद की जो भूमिका होनी चाहिए और उस भूमिका के साथ में सांसद ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, तो हमारे जो साथी 14 लोकसभा में छत्तीसगढ़ से हमारे लोग बैठे हुए हैं और जिनसे हमारी चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान में आया है कि झारखंड 14 के 14 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, बीजेपी के गठबंधन के खाते में जा रही है और 14 के 14 सीट देने का जनता ने मन बना लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने कल जमशेदपुर के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से 25 मई को पार्टी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में वोट करने की अपील की। रैली में सभी युवा, सभी नौजवान, सभी सिख समाज के लोग मोदी सिख विद मोदी इसका नारा देते हुए हम लोग भ्रमण कर रहे हैं शहर का। मोदी जी ने जो सिखों के लिए अद्भुत काम किए हैं उसका हम लोग ऋण उतारने का समय आया है। आज हम लोग ऋण उतारने को तैयार हैं, मोदी जी को वोट दे के, विद्युत मरण महतो जी को वोट दे के। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि वोटिंग के दौरान मतदान कक्ष में फोटो लेना या वीडियो बनाना अपराध है। इसके अलावा वोटिंग कंपार्टमेंट का भी फोटो खींचना प्रतिबंधित है। श्री कुमार ने कल रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पांचवें चरण के मतदान के दौरान हजारीबाग के एक मतदान कक्ष में मोबाइल से एक व्यक्ति द्वारा फोटो या वीडियो लेने का मामला संज्ञान में आया है, उस पर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहले भी बात किया जा रहा था कहां पर भी सीक्रेसी अबाउट मेंटेन करना करके, हम लोग का हजारीबाग में ये केस मिला है, उसमें उनका आपका वोटिंग प्रोसेस का अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके बाहर उसने कराया था, उसको उनका ऊपर कार्रवाई की गई, उनके पास एफ आई आर करके उनके पास सीक्रेसी अबाउट का वायलेशन का लेकर कार्रवाई किया जा रहा है। इसे आपका मोबाइल लेके नहीं जाना है, वहां पर गलती से भी लेके चला गया मतलब वहां पर कोई भी प्रोसेस का रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, आप अंजाम में भी करेंगे तो उसको ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज एक सारी बात में इंसिडेंट हुआ था उसमें कर दिया गया।
भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक दुकानदार को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने दुकानदार पर राजनीतिक दल का झंडा लगाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और प्रशासन के संबंधित दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन चुनाव आयोग की आड़ में गरीब दबे कुचले व्यक्ति और दुकानदार पर दबिश बनाकर झूठा केस दर्ज कर रहा है। ईडी ने टेंडर में कमीशन की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज न्यायालय में पेश किया। इस दौरान ईडी ने अदालत से पूछताछ के लिए 8 दिन और रिमांड दिए जाने का आग्रह किया। हालांकि अदालत 5 दिनों की रिमांड अवधि स्वीकार किया। इससे पहले श्री आलम से 6 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। इधर ईडी ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी का ब्यौरा कल पीएमएलए कोर्ट को सौंप दिया। इसमें मंत्री आलमगीर आलम सहित अन्य आरोपियों को कोड वर्ड में कमीशन की हिस्सेदारी की राशि दिए जाने का जिक्र है। गौरतलब है कि मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कल अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। उच्चतम न्यायालय से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए श्री सोरेन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले इस मामले की सर्वोच्च न्यायालय में कल भी सुनवाई हुई थी, लेकिन पूरी नहीं हो सकी थी। गौरतलब है कि श्री सोरेन ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी और गठबंधन का प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी। राजधानी रांची के मोरहाबादी इलाके में एक बार बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा और अंडे की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रामकृष्ण मिशन आश्रम के 1 किलोमीटर के दायरे में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान जिन घरों या पोल्ट्री फार्म में मुर्गी और अंडे मिलेंगे उसे जब्त कर नष्ट किया जाएगा। जब्त सूची के आधार पर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। गौरतलब है कि ICRN NIHSADD भोपाल में रांची के मोरहाबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के कुकट्टो के नमूने गांव में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस इलाके में एहतियात को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को यह दिवस इसके महत्व पर प्रकाश डालने और जागरूकता के मकसद से मनाया जाता है। बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी योजना का हिस्सा बने। ये थीम जैव विविधता के नुकसान को रोकने और हो चुके नुकसान की भरपाई करने के लिए है। बायोडायवर्सिटी प्लान का अनुसरण कर सभी से कार्रवाई करने का आह्वान करती है। बायोडायवर्सिटी प्लान के तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को निर्णय लेने में जैव विविधता संरक्षण को मुख्य धारा में लाने और मानव स्वास्थ्य की रक्षा में संरक्षण के महत्व को पहचानने का आह्वान करता है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में गोवा पुलिस के कई कंपनियों को लोकसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, गोवा पुलिस उपाधीक्षक, परिचारी प्रबर एक मौजूद थे। जातीय मामलों और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता भोलानंद तिवारी के घर पहुंचे और शोक संतप्त को सांत्वना दी। केंद्रीय मंत्री ने स्वर्गीय तिवारी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। खूंटी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर खूंटी थाना अंतर्गत महुआ टोली गांव निवासी मिथुन मुंडा उर्फ छोटन मुंडा के मकान में पुलिस ने छापेमारी कर मकान के अंदर छिपा कर रखी गई 530 ग्राम अवैध अफीम को बरामद किया। मौके पर पुलिस ने मिथुन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा बरामद किया है। बरामद डोडा का बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। SP आशुतोष शिखर ने बताया कि वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से करीब 4000 किलोग्राम डोडा जब्त किया गया है। हालांकि वाहन चालक और उसका सहयोगी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे।
रांची के चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित एक होटल के समीप से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। युवक के पॉकेट से मिले आधार कार्ड में उसका नाम चंद्रकांत बी तलवार लिखा है और वो कर्नाटक का रहने वाला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदना के पंचवटी नगर में संचालित बालिका गृह से दो नाबालिग बहनें भाग गई। दोनों तीन तल्ला बालिका गृह की बिल्डिंग से शौचालय पाइप के सहारे नीचे उतरी। हालांकि आधे घंटे के बाद उन्हें ढूंढ लिया गया। बाद में बालिका गृह के संचालक मौके पर पहुंचे और उन्हें वापस ले गए। भागने के क्रम में गिरने से छोटी बहन के पैर में मोच भी आ गया, जिसका इलाज कराया गया। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के देवटार थाना क्षेत्र के पीपरजोरिया के नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त कदवा गांव के बुल्लू यादव के रूप में की गई है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। खूंटी से जमशेदपुर जा रहे यात्रियों से भरी एक बस अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंदरी के रूपई नदी पुल से 10 फीट नीचे जा गिरी। इस दुर्घटना में बस पर सवार लगभग 3 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। घायल लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। पलामू से स्टे गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव स्थित एक डोभा में नहाने के लिए घुसे दो किशोर गहरे पानी में डूब गए। शोर मचाने पर जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक डूबने से दोनों की मौत हो गई थी। एक साथ दो किशोरों की मौत होने से जहां परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में मातम पसर गया। दोनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के बिकुआदा गांव में बाबा भोलनाथ की आराधना का कष्ट साध्य अनुष्ठान ऐतिहासिक मंडा शुरू हो गया है। इसके साथ ही घर घर में पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस बार 138 शिवभक्त अपना घर परिवार त्याग कर बाबा भोलनाथ की सेवा में लगे हैं। राजधानी रांची सहित राज्य भर में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से अगले 2 दिनों तक गरज के साथ बारिश होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई इलाकों में 26 मई तक जहां बारिश के आसार बने हुए हैं, वहीं कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। और अब बात कारोबार जगत की। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को पीएमओ द्वारा लॉन्च किया गया था। तब से भारत में 1,30,000 से अधिक स्टार्टअप, 115 से अधिक यूनिकॉर्न और $350 बिलियन मूल्य के कारोबार के विकास को देखा है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट उत्तर भारतीय बाजारों में जोरदार एंट्री की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने इसके लिए राजस्थान के नागौर जिले में एक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड सीमेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की ओर से नई सीमेंट सुविधा में किए जाने वाले निवेश में 3.30 MTPA तक की क्लिंकराइजेशन यूनिट और 2.50 MTPA तक की ग्राइंडिंग यूनिट के साथ साथ 18 MW वेस्ट हीट रिकवरी 20 बिजली संयंत्र भी शामिल है। आईपीएल क्रिकेट में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना लिया। आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 159 रन बनाए। जवाब में केकेआर ने 13.4 ओवर में ही 2 विकेट पर 164 रन बनाकर मैच जीत लिया। कोलकाता के लिए श्रेयस ने 24 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 58 रन बनाए। वहीं वेंकटेश अय्यर ने 28 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन की पारी खेली। कोलकाता की टीम चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले ये टीम 2012, 2014 और 2021 सीजन के खिताबी मुकाबले में पहुंची थी, जिसमें से 2 बार ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रही थी। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। मई साल 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ।
उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता और बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ उन्होंने समाज के कुरीतियों के खिलाफ दोहरी लड़ाई लड़ी। सामाजिक कुरीतियों में बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, पर्दा प्रथा समेत कई कुप्रथाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। भारत के इतिहास में उनकी पहचान देश में सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में दर्ज है। 22 मई साल 1993 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसे मनाने का निर्णय नैरोबी में 29 दिसंबर साल 1992 को हुए जैव विविधता सम्मेलन में लिया गया। यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आधारशिला है, जो पूरी तरह से मानव कल्याण से जुड़ी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। ग्रह के संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला शिल्प, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों समेत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गर्मियों के दौरान एक्सरसाइज करने में कुछ लोगों को मुश्किल होती है। गर्मियों में एक्सरसाइज करते समय सांस फूलना या डिहाइड्रेशन होना भी आम समस्या है, लेकिन इसके कारण कई लोगों को चक्कर आने या थकावट रहने जैसी परेशानियां होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि गर्मियों में वर्कआउट करते हुए कुछ खास चीजों का ध्यान रखा जाए। बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का विशेष महत्व है। व्यायाम करने से शारीरिक सक्रियता बढ़ती है और रोग का खतरा कम होता है। व्यायाम में कई तरह की क्रियाओं को शामिल किया जाए तो ये लाभकारी होता है। व्यायाम करने से स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं। वजन कम करने के लिए काफी उपयोगी है व्यायाम करना। साथ ही नियमित व्यायाम करने से वजन नियंत्रित रहता है। प्रतिदिन व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। नियमित व्यायाम से मन, मस्तिष्क व स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नींद अच्छी आती है, तनाव कम रहता है। शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए उपयोगी है व्यायाम करना। व्यायाम करने से शरीर की चय अपचय प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। नियमित व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, लेकिन गर्मियों में वर्कआउट करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में पसीना बहुत आता है और जब व्यक्ति को पसीना आता है तो उसमें शरीर से पानी का लॉस होता है और नमक का भी लॉस होता है। हमारे शरीर से नमक और पानी निकलते हैं, तो इनकी कमी न होने दें। इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से पानी का सेवन करते रहें और खान पान में नमक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें। हम सलाह देते हैं कि एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को गर्मियों में अपने साथ एक वाटर बॉटल रखनी चाहिए ताकि वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सके पानी पीने से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने की है कि कंफर्टेबल कपड़े पहने हों, टी शर्ट हो या ट्रैक पैंट्स हो, वो कंफर्टेबल हो, बहुत टाइट फिटिंग ना हो। और ये अगर सूती हो तो और अच्छा, क्योंकि सूती कपड़ा हमारी स्किन के लिए और खास तौर से गर्मियों के मौसम में बहुत उपयुक्त रहता है। अधिक तापमान में तीव्र गति वाली क्रियाएं करने से लू लगने की संभावना होती है, निर्जलीकरण का खतरा हो सकता है और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। गर्मियों में व्यायाम करना हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि गर्मियों में व्यायाम करते समय लापरवाही की जाए तो ये समस्या का कारण बन सकता है। नियमित व्यायाम करना तो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है ही, साथ ही आवश्यक है कि व्यायाम सही तरीके से किया जाए। पैदल चलना उपयोगी हो सकता है। सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 से 45 मिनट पैदल चलें। व्यायाम की शुरुआत वार्म अप से करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट सामान्य गति से चलें। अगले 20 मिनट तक तेज गति से चलें या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं।
इस अवस्था में हृदय और श्वास की गति बढ़नी चाहिए। इसके बाद अंतिम अवस्था में कूल डाउन फेज यानी सामान्य गति से चलना चाहिए। जॉगिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग करना उपयोगी है। लगभग 45 मिनट प्रतिदिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य के लिए कई लाभ होते हैं। गर्मियों के मौसम में व्यायाम करना तो आवश्यक है, साथ ही ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी सावधानियां रखने से स्वास्थ्य को व्यायाम के साथ ठीक रखा जा सकता है। आप बाहर धूप में एक्सरसाइज करके आए हैं, आउटडोर एक्सरसाइज करके आए हैं, एकदम से एयर कंडीशन कमरे में जाएंगे तो तापमान में अचानक बहुत अधिक परिवर्तन मांसपेशियों में क्रैम्प्स ला सकता है। क्रैम्प्स की संभावना शरीर से पानी और नमक निकलने की वजह से भी अधिक होती है। या आप एयर कंडीशन जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत देर तक, उसके बाद अचानक बाहर गर्मी में, तपती धूप में, लू में ना चले जाएं, तो तापमान का परिवर्तन ग्रेजुअल होना चाहिए, ना कि सडन और एक्सट्रीम। एक चीज़ और जो ध्यान में रखने की ज़रूरी है कि बाहर जब आप एक्सरसाइज करते हैं गर्मियों में तो तापमान बहुत अधिक होता है, लू चलती है, तो उसका हीट का भी एडवर्स इफेक्ट स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो एक्सरसाइज करने के लिए आप दिन का वो समय चुनें जब बहुत अधिक गर्मी नहीं है। आप सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं या शाम को एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तापमान बहुत अधिक नहीं होगा और आपके शरीर के टॉलरेंस के मुनाफिक उपयुक्त रहेगा। यदि आप स्वस्थ और बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो नियमित व्यायाम अवश्य करें। विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में व्यायाम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे गर्मियों में भी आप सुरक्षित तरीके से व्यायाम कर सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ऐसी मान्यता है कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदिक ग्रंथों और उनमें वर्णित वृक्षों व पौधों की पर्यावरण परक एवं स्वास्थ्यगत विशेषताओं से भला कौन अपरिचित होगा। इन्हीं विशेषताओं को बतलाने में अपने आप में समर्थ है तुलसी। जहां एक ओर तुलसी का धार्मिक महत्व है तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान के दृष्टिकोण से तुलसी एक औषधि है। हृदय रोग हो या सर्दी जुकाम, भारत में सदियों से तुलसी का प्रयोग होता चला आ रहा है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौराणिक काल से प्रसिद्ध पतित पावनी तुलसी के पत्तों का विधिपूर्वक नियमित सेवन करना अत्यंत लाभप्रद कहा गया है। एक सर्वाधिक औषधीय एवं पवित्र पौधा तुलसी जी के रूप में भारत के हर आंगन में देखने को मिल जाता है। तुलसी का जितना औषधीय महत्व है उतना ही आध्यात्मिक महत्व भी है। तुलसी रोगनाशक है, खासकर श्वसन तंत्र के रोगों को नष्ट करती है, क्योंकि तुलसी जी प्राण वायु को उत्पन्न करती हैं और प्राण जब बढ़ते हैं तो हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, इसलिए खांसी, जुकाम, अस्थमा, बुखार, इस तरह की जब समस्याएं हों तो तुलसी जी का काढ़ा जरूर पीना चाहिए। जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में तुलसी का अत्यधिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी धारण करने वाले को यमराज कष्ट नहीं देते। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु के समय मुंह में तुलसी के पत्ते को रखने की भी सनातन परंपरा रही है। तुलसी को वायु शोधन एवं पवित्रता के लिए हर आंगन में लगाने की परंपरा रही है, क्योंकि तुलसी को सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधों में से एक माना जाता है। समग्रता से कहें तो तुलसी का पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है। तुलसी के पास हानिकारक जीवाणु, विषाणु या कीड़े मकोड़े नहीं पनपते। यह घातक कृमियों और कीटों को नष्ट करती है। भोजन में भी तुलसी का भोग पवित्रता का कारक माना गया है। महर्षि चरक के द्वारा रचित चरक संहिता में तुलसी के गुणों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। हिक्का कास विषश्वास पार्श्वशूल विनाशनः पित्तकृत कफवातघ्नः सुरसः पूतिगंधः। अर्थात तुलसी हिचकी, खांसी, विषाक्त श्वास और पार्श्वशूल को नष्ट करती है। यह पित्तकारक, कफवातनाशक, रसप्रदायक और दुर्गंधनाशक भी है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। कांग्रेस के प्रियंका गांधी और आज गोड्डा और रांची में करेंगी चुनावी सभा। असम के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान की भी है रैली। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, वोटिंग के दौरान मतदान कक्ष में फोटो लेना या वीडियो बनाना अपराध। वोटिंग कंपार्टमेंट का भी फोटो खींचना प्रतिबंधित। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में किया जाएगा पेश। रिमांड अवधि 5 दिन बढ़ी। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी का विस्तृत ब्यौरा अदालत को सौंपा। और राजधानी रांची के मोरहाबादी इलाके में फिर बर्ड फ्लू। 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गा और अंडे की खरीद बिक्री पर लगी रोक। सर्वे कर मारी जाएंगी मुर्गियां, मिलेगा मुआवजा।